हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम हैप्पी कैबरी स्कूल। टुडे माय टॉपिक इज अबाउट एक्टिविटी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की जनरेशन। लेसन में आपने देखा कंप्यूटर की फाइव जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसी से रिलेटेड हम एक्टिविटी करेंगे। राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स का नेम लिखना है। फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में आपको क्ल्यू दिया गया है ग्रैंड फादर नेम। सेकेंड जनरेशन फादर नेम, थर्ड जनरेशन यूअर नेम। तो इस एक्टिविटी को आपको फिल करना है और कंप्यूटर की फाइव जनरेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। जनरेशन होती है हमारी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये हमारी क्या है, जनरेशन है। इसी तरह से कंप्यूटर में भी जनरेशंस होती हैं। कौन कौन सी जनरेशन होंगी उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर की फाइव जनरेशंस है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये सारी क्या है, कंप्यूटर की जनरेशंस है। सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहां, कब से कब तक था, 1942 से 55 में लॉन्च किया गया, ठीक है। फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या है, दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, उन्होंने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया। दे वर वेरी एक्सपेंसिव, वे बहुत महंगे थे। They were large and very heavy in size. ये साइज में बड़े, लार्ज और वेरी हैवी, यानी कि बहुत भारी थे। They generated a lot of heat. उन्होंने बहुत गर्मी भी जनरेट की। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स हैं ENIAC, UNIAC, EDSAC। ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आता है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1956 से 64 तक में लॉन्च हुआ, ठीक है। फीचर्स ऑफ सेकंड जनरेशन, इसके फीचर्स क्या क्या है, दे वर फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से फास्टर है, तेज वर्क करते हैं। दे यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड ट्रांजिस्टर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, ट्रांजिस्टर्स। दे वर स्मॉलर इन साइज, देखिए उसमें पढ़ा था आपने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लार्ज थे साइज में, बड़े थे, ये स्मॉलर साइज में है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे, महंगे थे, और ये लेस एक्सपेंसिव है उससे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं IBM, ENIAC 1401, CDC 160, ये जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या आया, इसके फीचर्स क्या है, देवर स्मॉलर इन साइज, ये साइज में छोटे हैं किससे, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, और उससे लेस एक्सपेंसिव, कम महंगे हैं। दे यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, ये उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स नामक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया। दे वर फास्टर, ये बहुत ज्यादा फास्टर है एंड मोर एक्यूरेट देन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से फास्टर है, सेकेंड जनरेशन की तुलना में ये बहुत ज्यादा क्या है, फास्ट चलते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है IBM 360, VAX 750, ICL 1900, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देवर, इसकी फीचर्स क्या है, देवर स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटे हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। देवर फास्टर एंड चीपर, ये क्या है, बहुत फास्ट चलते हैं और चीपर, सस्ते हैं। दे यूज्ड अ डिवाइस कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर, ये जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे
क्या कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, देवर वेरी इजी टू हैंडल, इसे हैंडल करना बहुत आसान है। IBM 4300, HP 9000, ICL 2900, ये इसके एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? फोर्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं? दे यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर वर्किंग, ये काम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज करते हैं। दे आर अनेबल टू थिंक एंड टेक डिसीजन सच एज ह्यूमन बींग, वे इंसानों की तरह ह्यूमन बींग की तरह सोचने और डिसीजन लेने में असमर्थ हैं, ठीक है, अनेबल हैं। दे आर यूज इन एरियाज लाइक डिजाइनिंग, डिफेंस और रोबोटिक्स, इसका यूज डिजाइनिंग, डिफेंस और रोबोटिक्स जैसे एरियाज में किया जाता है। तो ये सारी जनरेशन थी कंप्यूटर्स की। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसे अच्छे से चैप्टर को रीड करना है, समझना है अच्छे से चैप्टर को। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका बुक वर्क सेंड करूंगी, क्वेश्चन आंसर्स सेंड करूंगी, आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।